हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके NICL असिस्टेंट प्री 2017 के मेमोरी बेस्ड हैं, और ये आपका जो अपकमिंग एग्जाम है NICL असिस्टेंट प्री 2018 उसको टारगेट करके बनाया गया है। इसमें कुछ मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, और NICL असिस्टेंट का लेवल मोर और लेस जो आपके बैंकिंग सेक्टर के क्लर्क लेवल के एग्जाम का लेवल होता है वही है। वही सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, वही वेटेज है, वही सिलेबस है, और लेवल भी मोर और लेस, जैसे क्वांट का अगर आप देखोगे तो वो ही लेवल है, SBI क्लर्क से नीचा है, और RRB से थोड़ा सा आप ये मान सकते हो कि थोड़ा लेंथी होता है, बट है वही क्लर्क लेवल। चलो सेशन शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या है। द डाया ऑफ ए सर्किल विद एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्किल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। मतलब आपको क्या दिया है कि कोई एक सर्किल है, ये दे दिया आपको। गिवन क्या हुआ, ये कोई एक सर्किल है। डाया ऑफ ए सर्किल विद, और इसका एरिया कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो भी कोई इसकी रेडियस है, मान लो ये इसकी रेडियस है, और कोई एक दूसरा सेमी सर्किल है उसके साथ इसका कुछ कंपेरिजन दिया। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसके पेरीमीटर के लिए आपको क्या चाहिए, मान लो इसकी रेडियस आर है, तो आपको क्या चाहिए, पाई इंटू आर। भाई ये पेरीमीटर क्या हुआ, यहां से आप शुरू हुए और यूं घूम यहां तक आ गए, तो पाई आर प्लस ये डाया या 2R, ये आपको चाहिए इसका। सो इसमें a इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 616। अब पाई है 22/7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616/22 और गुणा 7। अब इसे कैंसिल आउट करें तो 22 2 44 और 17 और 6 22 8 176, 28 × 7। अब इसको थोड़ा सा आप देखेंगे, 28 को आप 7 × 4 कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 7 × 7 और गुणा 4, और इसका करना है आपको, ये आर स्क्वायर के इक्वल है, तो आर हो गया इनका अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट करोगे तो क्या हो गया, ये 7 × 7 है, ये 2 × 2 है, तो ये हो गया 14। तो ये एक 7 ले लिया, एक 2 इसमें से बाहर आ गया, 14 आ गया, 14 आपका क्या हो गया। और वैसे आप करो 7 × 7 49, 49 को अगर 4 से करोगे 196, 196 भी वापिस वो स्क्वायर रूट 14 हो गया, तो 14 सेंटीमीटर आपके पास आ गया आर। और इस सेमी सर्किल का क्या दिया है कि डाया ऑफ द सर्किल, इसका डाया कितना हुआ, डाया हो गया इसका 28 सेंटीमीटर, और वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, ये छोटा आर क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर। बस ये रख दो वैल्यू, पाई क्या हो गया आपका 22/7 और आर हो गया 28 प्लस 2 × 28, यही आपको जो पेरीमीटर हो गया। तो 7 × 4 = 28, 22 × 4 = 88 और 28 × 2 = 56। 88 और 56 को आप जोड़ लीजिए, जितना जल्दी जोड़ोगे उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए नहीं तो आप जल्दी किसी भी तरीके 88 56 में से 12 इसमें जोड़ कर 144 कर लें, या 80 और 50 130, और 8 × 6 = 14, 130 और 14 144, और ये 144 सेंटीमीटर के ऑप्शन पे टिक करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 43 डेज। ए और बी है तो वो दोनों मिलके किसी काम को 40/3 डेज, तो साथ साथ लिखते जाओ आप, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 40/3 दिन में। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग अलोन इन 6 more days देन दैट ऑफ ए। तो ए का आप मान लो, ए अगर एक्स डेज में करता है तो बी कितना करता है, 6 दिन ज्यादा में, तो बी हो गया आपका x+6 डे। ये कोई एक पोजिशन आपकी बन रही है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन बी, तो x+6 आपको, मतलब कुल मिला के आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, फिर x+6। आपको पता है जब भी ए और बी और ए प्लस बी का करते हैं तो अपने एक छोटा सा इसका फॉर्मूला है, अगर ए करता है एक्स दिन में, बी करता है y दिन में, तो a प्लस बी कितने दिन में करेंगे, x इंटू वाई अपॉन x+y। तो यही इसमें इसमें पुट कर दें, a प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 40/3 में, तो 40/3 इज इक्वल टू
ए कितने दिन में कर रहा है, एक्स दिन में, और बी कर रहा है एक्स प्लस सिक्स दिन में, 6 डेज में। इन दोनों को जोड़ लो नीचे, एक्स प्लस सिक्स, तो ये क्या आ गया, 2x+6 को 40 से गुणा करोगे तो 80x+240 इज इक्वल टू x2+6x को 3 से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपल, तो 3x2+18x, तो ये आपका आ गया 3x2-62x और -240 इज इक्वल टू 0। अब आपके एक सिंपल एक कोऑर्डिनेट, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पहला निशान माइनस, दूसरा माइनस, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, छोटी नेगेटिव आएगी, तो आपको तो बड़ी चाहिए, नेगेटिव से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो जो 240 और 3 को अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 240 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ सकता है, 3 240 का हो गया 3 गुणा 80, और 80 का क्या हो गया, 80 को अगर आप आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणा 10, राइट। अब अगर मैं इसको देखूं, 3 3 9 9 8 72, 72 और 10 अगर मैं बनाता हूं तो 72, और क्योंकि यहां जब दोनों निशान ये माइनस होते हैं तो अपने को ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको डिफरेंस 62 हो, मतलब एक फैक्टर तो एटलीस्ट 62 से बड़ा होगा ही होगा, तो ये 72 और 10 को घटाओगे 62 हो गया, तो 72 बड़े वाला क्या हो गया, 72, और उसको डिवाइड कर लो एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से, तो ये आ गया 24। तो x+6 कितना हो गया, जो आपको निकालना है वो हो गया 24+6 30 दिन, तो 30 दिन को टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए, देर इज ए रेक्टेंगुलर रूम है कोई रेक्टेंगुलर, और उसमें क्या दिया है, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 15 9 एंड 4 मीटर एक्सेट्रा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ दे दी आपको एंड उसकी क्या दे दी, लेंथ भी दे दी, ब्रिथ भी दे दी और हाइट भी दे दी। ये कोई रेक्टेंगुलर रूम है, इसकी ये 15 मीटर, ये आपकी 9 मीटर और हाइट इसकी हो गई 4 मीटर। रेक्टेंगुलर रूम है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स, सिर्फ दीवारों को रंगना है, रेट ऑफ पेंटिंग 8 रुपए 40 पैसे पर स्क्वायर, रेट क्या होगी, 8 रुपए 40 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो इसमें क्या करें आप, भाई एरिया निकाल लें, एरिया को रेट से गुणा कर दोगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगी। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, ये मान लो लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 गुणा लंबाई होगी आपकी 15 और चौड़ाई होगी 9, तो ये पेरीमीटर आ गया पूरा, ये चारों दिशाओं में घूम गए आप, 2 लंबाई 2 चौड़ाई जोड़ते ही, और इसको कर दो हाइट से गुणा, 4 से गुणा कर दिया तो ये आपका आ गया एरिया, और इसको कर दो 8 रुपए 40 पैसे से, तो ये आ गई कॉस्टिंग, कॉस्टिंग जो पेंटिंग की। अब आप 15 9 24 2 48, 48 को अगर 4 से आप गुणा करोगे तो 48 दूनी 96 96 दूनी 192 192 गुणा 8.40। तो अब इसको 8 और 0.4 मान लो, 192 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको 200 माइनस 8 में एक बार मानता हूं तो ये 200 और 8 हो गए 1600, और -8 और -8 हो गए 64, 1600 में से 64 घटाओगे तो कितना आ गया, 1536 प्लस 0.4, 192 को 0.4 से करने के लिए 192 को आप 4 बार कर लो, 19 को अगर मैं 4 बार करूंगा तो आ गया 76, और 2 को करूंगा 8, 768 आ गया, 768 एक डिजिट छोड़ गया आपको डेसिमल हो, तो 76.80 इसमें जोड़ दीजिए आप, यही आपका 1536+76.80। तो अब इसमें जोड़ने के लिए आप क्या करें, 15 30 और 70 जोड़ोगे तो कितना, 100 हो गया, तो 1600 हो गया, और 6 6 12 और जुड़ गया, 1612.80 नहीं, 1619 चौके 0.4 से करोगे तो 19 चौके 76 76 पॉइंट, तो ये आपका 1612.8। ऑप्शन देखें और टिक करें। नेक्स्ट देखिए, इफ एज ऑफ पी एंड आर आर एडेड, पी और क्या दिया है, इफ एज ऑफ पी एंड आर आर एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ क्यू, तो इनको क्या साथ साथ आप लिखते रहो, नहीं तो क्या आपका टाइम खराब होगा, पी की एज को पी मान लो, आर को आर मान लो, और क्यू को क्यू मान लो, ये कह रहा है कि पी प्लस आर और उसमें क्या जोड़ दो, 2 क्यू, ट्वाइस ऑफ क्यू, टोटल बिकम्स 59, ये एक इक्वेशन बन गई, ये तो 59 आ गया, राइट। अब आगे चलो,
इफ द एज ऑफ क्यू एंड आर एडेड टू क्यू प्लस आर किसके साथ थ्राइस ऑफ पी, तो तीन पी, ये कितना हो गया, ये 68 हो गया, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई. एंड द एज ऑफ पी इज एडेड, पी इज एडेड टू थ्राइस द एज ऑफ क्यू प्लस थ्राइस द एज ऑफ आर, और ये बन गया 108, ये बन गया थर्ड. व्हाट इज द टोटल एज ऑफ पी क्यू एंड आर, तो पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा ये. तो इसमें आप देखें कि कोई अगर ऐसी कोई दो संख्याएं जुड़ रही हो या तीनों जुड़ रही हो जिसमें P प्लस क्यू प्लस आर कॉमन आ जाए, तो आप इसमें अगर देखेंगे ये इन सेकंड और थर्ड को अगर मैं सम करता हूं, सेकंड प्लस थर्ड अगर आप करोगे तो इसमें क्या हो रहा है, Q और तीन Q चार Q हो गए, R और तीन R चार R हो गए, तीन P चार P, एक P चार P हो गए, तो ये हो गया चार तो कॉमन आ गया और अंदर आ गया P प्लस क्यू प्लस आर, और ये हो गया 176. अगर चार से मैं कैंसिल आउट करूं तो ये हो गया 44, तो ये क्या आ गया 44 इयर्स. 44 इयर्स को देखें, टिक करें और आगे बढ़े. नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप बिजनेस. ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो होते हैं ये हमेशा ही बहुत सिंपल होता है, मतलब इसमें हो सकता है वो लंबा थोड़ा देके आपका टाइम ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आप घुसेंगे और सोल्व आपसे नहीं होगा. इसके लिए हमेशा ए एंड बी इंटर इनटू ए बिजनेस विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 3:5, हमेशा साथ साथ लिख लें. जैसे ए है एक, दूसरा बी है. अब उसने जो दिया इन्वेस्टमेंट कितना है, एक का 3x है और दूसरे का 5x है, राइट. तो इसमें इन्वेस्टमेंट और टाइम चाहिए आपको मेन. एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स ए विड्रू इज कैपिटल, तो ए ने कितने टाइम रखा, 4 महीने रखा. इफ दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 4, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी वो 4:5 है. फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वॉज यूज, बी ने कितने टाइम के लिए, मान लो टी टाइम के लिए रखा उन्होंने. तो ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी. प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट का शेयर वही रहेगा जो इन्वेस्टमेंट और टाइम के फैक्टर्स का रेशियो है. तो यहां आपको दिख रहा है 3x, तो ये आपका आ गया. अगर ये चीज आप यहां लिखेंगे तो 12 चार 3x और 4x हो गए 12x. 12x रेशियो 5x इंटू टी इज इक्वल टू 4:5. अगर इसको आप करें तो 12x बटे 5x प्लस इंटू टी इज इक्वल टू 4/5. तो आप इसमें देखेंगे 5 से तो 5 कट गया, x से x कट गया, 4 से ये 3 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t इज इक्वल टू आ गया 3 मंथ्स. तो 3 महीने तक वो उसने पैसा इसके अंदर रखा, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट रेशियो वही आएगा जो इनके टाइम के साथ. अब आपको दिख रहा है 3 और 5 है, 3 और 5 से वो हुआ 4 और 5. तो ये था आज का सेशन. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए. सेशन अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स रेगुलर करते रहिए. और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें लिखिए, वो भी हम देने की कोशिश करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे.